मेरठ से हैं बबीता जी, स्वागत है आपका। हाँ, मेरे ना मतलब पैर में उनसे में दर्द है घुटने में, और मतलब तलवे में चप्पल नहीं पहने जाती, पैर में दुखता दर्द होता है। और कह रहा जी मेरे को पोटी भी कई कई बार जाती हूँ, खाना खाने के बाद 4-5 बार फ्रेश होना पड़ता है। और कह रहा जी ये मेरे अंगूठे में बहुत दर्द है, सीधे में हाथ के अंगूठे में बहुत पेन हो रहा है। ठीक है। हकीम साहब जी ने बताया था गोंद खा लिए, किया काला गोंद वो खा रही हूँ, दर्द को थोड़ा आराम है लेकिन घुटने में अकड़न पड़ना है मेरे बहुत ज्यादा। ठीक है। और हाँ जी मेरा बेटा है अक्षय, 15 साल का है, तो उसको ना खांसी जुकाम नजला रहता है, उसको सही नहीं होता। हाँ जी उसको ये परेशानी है। और तीसरे सवाल ये ना मेरा घर वाला है, तो उनको ना भूख नहीं लगती, खून नहीं बन रहा और कमजोर हो रहे हैं। उम्र कितनी है उनकी? उम्र उनकी जी 55 साल है। ठीक है मैम, कुछ कहना चाहती क्या हैं? साथ है? हाँ जी बात पूरी कीजिए। अक्षय की उम्र है 15 साल, मेरी उम्र है मैडम कैनम जी 50 साल, और ठीक है, हाँ वेट मेरा है 62 किलो। ठीक है मैम हाँ जी हाँ। इस सब गोल की भूसी पानी में मिलाकर एक चम्मच रोजाना आप ले लिया करें, आपको फायदा मुमकिन है। देखिए, गौंद सिया तो आपने शुरू कर दिया और इसने फायदा भी शुरू कर दिया। थोड़ा सा इंतजार कर लें, अभी 8-10 दिन हुए हैं आपको इस्तेमाल किए हुए, 10% फायदा भी आपने बता दिया। ये हर जोड़, हर नर्व के लिए है, डिस्क के लिए है, घुटने के लिए है, अंगूठे के लिए है। आप इसे छोड़िए नहीं, और जितना गौण स्या आपके पास है ये ख़त्म होते होते आपको रोग मुक्त हो जाना चाहिए। बस आपसे यही निवेदन है कि वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला टॉयलेट यूज़ करें और बहुत मेहनत का काम ना करें, जैसे झाड़ू पोछा कुछ दिन ना करें तो आप बहुत जल्दी अच्छे हो सकते हैं। और वो जो मैं एक नुस्खा बताता हूँ, एक चूर्ण बनाना बताता हूँ अपने पति के लिए, वो बना लीजिए। लिखना शुरू करें, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, ये 6 चीज़ें हैं। और फिर बोलता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये 100-100 ग्राम खरीद कर पाउडर बनाकर रखें घर में। और एक आता है नमक जैतून, ये असली लें, नकली बहुत मिलता है। एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी में जितना आए एक गिलास पानी में मिलाएं, और इस पानी से ये 6 चीज़ों का पाउडर दिन में एक बार या दो बार खाने से पहले या खाने के बाद अपने पति को दिया करें। उनकी तंदुरुस्ती भी होना मुमकिन है, उन्हें भूख भी लगेगी, उनकी सेहत भी अच्छी हो सकती है। बेटा जो 15 साल का है उसके लिए एक नुस्खा अलग से लिखें और 6-7 महीने खिलाएं, सपिस्तान उन्नाव अलसी, सपिस्तान उन्नाव अलसी, ये 3 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें और इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाएं, जिसे हिंदी में पीपला मूल कहते हैं। और उन्नाव होगा तो इसमें गुठली निकाल कर फेंक दें उन्नाव की, इसका पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह खाली पेट बच्चे को दें और 1 चम्मच रात को सोते वक्त, गर्म पानी या चाय के साथ देना है। और खट्टी चीज़ों का परहेज करें, खट्टी चीज़ों का से बचें तो बच्चा अच्छा हो सकता है।